मंत्री परसादी लाल मीणा मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सर। ये पहले से बेहतर है और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं और हमारी टीम की डॉक्टर्स की कोशिश है कि जो इन्फेक्शन हुआ 77 के ऑपरेशन हुए थे जिसमें 18 का हुआ, उनको निश्चित रूप से उनका समुचित इलाज किया जाएगा, उनको पूरी राहत दी जाएगी और हम चाहते हैं कि क्यों फैला इसकी जांच करवा रहे हैं। अभी तक सर बैक्टीरिया का पता नहीं लग पाया है। नहीं, अभी यहाँ कोई नहीं था, बाहर से आया, कैसे आया ये देख रहे हैं। इनकी दवाई भी मंगवाई गई है, पहले से इलाज करा रहे थे, वो दवाइयाँ भी मंगवाई गई है। जब अगर यहाँ का कोई दिक्कत आती तो सबके होता, या बाहर से भी हो सकता है, इनके साथ भी हो सकता है, तो इसकी जांच करवा रहे हैं। बाकी हमारा OT हमारी जो यहाँ सिस्टम है हॉस्पिटल का बिल्कुल एक्यूरेट था, कहीं कोई किसी तरह की यहाँ पर लापरवाही नहीं थी, सही ऑपरेशन किया, सबको बुला लिया गया, सबको पेशेंट से बात की, अब अच्छा महसूस कर रहे हैं, सबको ठीक करेंगे, कोई भी दवाई हो कोई भी चीज़ों उनको संतुष्ट करेंगे, सबको ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सब ठीक हो। सर भविष्य में इस तरह का आए नहीं, इसलिए वो तो नहीं है, बाहर से आया कहाँ से आया, अभी हमारे यहाँ का तो OT का या हमारे डॉक्टर्स का हमारे टीम का तो है नहीं, अगर होता तो सबके साथ होता, इनके 18 के ही क्यों होता 77 से। तो ये निश्चित रूप से ये जांच का विषय है, हम इसकी पूरी जाँच की, इनकी दवाई मंगाई है, घर का सिस्टम भी मंगवाया है, पहले कहाँ दवाई डलाई वो भी मंगवाया गया है, और सबकी हमारी एक कोशिश है अब कि इनका इलाज समुचित रूप से हो, सरकार उसके लिए कोई सब तरह की व्यवस्था करेगी, इनको संतुष्ट करके अस्पताल की जो भी लापरवाही महसूस नहीं हो रही, पूरे इलाज ठीक रूप से किया तो निश्चित रूप से इसकी जांच करा के कि कहाँ से फैला इसकी जांच करा। डॉक्टर ने क्या बताया है कि कब तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा? अभी क्या इनको डिस्चार्ज करेंगे, एक दो दिन जैसे जैसे ठीक होते जाएंगे वापस इनको एक 6-8 वीक के बाद दोबारा बुला के दोबारा ऑपरेशन करेंगे, जो कमियां आए जैसे किसी का हीरा खराब है झिल्ली खराब उसको चेंज करें, तो जिससे उनकी रोशनी वापस आ जाए, उनको अच्छा महसूस हो, तो ये सरकार निश्चित रूप से इनको बराबर हर तीसरे दिन इनको हॉस्पिटल बुलाती रहे। एक सर एक रिपोर्ट का इंतजार था, अब तक वो पहुंच चुकी है 40 अस्पताल वाली, उसमें कुछ नहीं क्या निकला? नहीं, वो है नहीं उनकी, हॉस्पिटल वालों की नहीं, अच्छा गलती नहीं निकलती। सर उसमें एक चीज ये भी है कि कमेटी ने रिपोर्ट दिया है कि कार्डियोलॉजी से भी ओपिनियन लिया जाए कि दोबारा 30 तारीख को उसको बुला के उसका ओपन किया था, हार्ट की वापस सर्जरी की गई थी, तो उसको लेके कार्डियोलॉजी को हॉस्पिटल की कोई लापरवाही या जो कैची है वो सर्जिकल नहीं थी जी, सर्जिकल नहीं है तो वो बाहर से भी आ सकती है, मतगणना भी आ सकती है, उसका वो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं है उसकी, पर सर्जिकल कैची नहीं थी। तो कार्डियोलॉजी से भी कोई ओपिनियन ली गई है? हाँ सर ले ली गई, उसके बाद कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कहीं भी उनकी हॉस्पिटल वाले गलती थी। मंत्री जी, जोधपुर में कुछ मरीजों के चूहों ने पैर कुतरने के मामले सामने आए, इसकी बात करो जोधपुरी बाद में करेंगे। मंत्री परसादी लाल मीणा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई किसी को भी यहां से डिस्चार्ज तब तक नहीं किया जाएगा जब तक इलाज करना दिया जाए, और इलाज करने के बाद भी 7-8 सप्ताह के बाद वापस बुलाया जाएगा और जिसको जो समस्या होगी उस समस्या का समाधान किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सुडोमोनास वायरस, माफ कीजिएगा बैक्टीरिया, वो SMS अस्पताल से नहीं आया है।